खबर में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बालाघाट जिले के कटंगी से। कटंगी में विद्युत कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में की सांकेतिक हड़ताल। विद्युत विभाग कटंगी के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सोमवार 19 जुलाई को बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध करते हुए सांकेतिक हड़ताल की, जहां बिजली वितरण के क्षेत्र में निजीकरण का बिजली कर्मी लगातार लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रांतीय संयोजक VKS परिहार के नेतृत्व में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार के बिजली वितरण क्षेत्र में जारी किए गए स्टैंडर्ड विद डॉक्यूमेंट को मध्य प्रदेश में लागू नहीं करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा संविदा कर्मियों को नियमित करने, आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने, शासन के द्वारा विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन गारंटी लेने, कंपनी केडर संविदा के कर्मचारियों को 50% बिजली की छूट और 25% सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिजली की छूट प्रदान करने के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थगित किए गए महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि को तत्काल चालू करने और बकाया राशि के भुगतान की मांग की जा रही है। वहीं सहायक अभियंता राजीव रंजन ने बताया कि बिजली कर्मचारियों का मुख्य मुद्दा निजीकरण का है। यदि सरकार ने निजीकरण से जुड़े मसले पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश भर के बिजली अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे और बिजली कर्मचारी निजीकरण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर भारत न्यूज के लिए कटंगी से मनीष चौकसे की रिपोर्ट। विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण का जो प्रयास किया जा रहा है उसके विरोध में मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के तत्वाधान में आज हम लोग शाम 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का आंदोलन हम कर रहे हैं। ये आंदोलन आगे भी बढ़ाया जाएगा। यदि शासन हमारी इस मांग को नहीं मानती है तो आगे उग्र आंदोलन का भी नोटिस शासन को दे दिया गया है। उसी के तहत आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का ये कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। सर आपका नाम? TR बिसेन, TA Grade 2।